हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल अप पर। और जैसे आपने अभी थंबनेल भी देखा है कि मंथली करंट अफेयर है, यानी कि महीने की करंट अफेयर एक साथ एक क्लास के अंदर हम करा रहे हैं, ठीक है। सो काफ़ी बेनिफिट आपके लिए रहेगा, क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, ठीक है। शुरू से लेके बिल्कुल लास्ट तक जाना है और 30 क्वेश्चन को हम करके चलेंगे। 30 क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों, ये MCQ बेस ही होंगे आपका, ठीक है। और इसके साथ साथ में प्लस पॉइंट क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको दूंगा नोट्स, हर क्वेश्चन का नोट्स उसके बाद में ही आपको एकदम पेज पर मिलेगा, ठीक है। सो ये भी आपके लिए बेस्ट है, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपकी करंट की जो एक इच्छा हमेशा रहती है कि सबसे ज्यादा बेस जो है वो यही कवर करती है, बेस भी और एडवांस भी आपके सारे एग्जाम्स का, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मंथली है, ये भी बेनिफिट है आपका, रिविजन एक साथ हो जाएगा 2020 का। चलिए फिर ज्यादा बात नहीं कर ले, सीधा ना क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाँ, एक बार जरूर ध्यान से कर लेना, केवल 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट आपको अपनी लाइफ के या अपने टाइम के देने हैं, दोनों बात एक ही है, ठीक है। और क्लास के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखो कि किस तरह के क्वेश्चन इन्होंने कराए हैं और क्या चीज़ ही पूछी जा रही है, ठीक है। आपको ही बेनिफिट रहेगा, इतना टाइम जरूर से निकालो, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और पहला क्वेश्चन ना देखो, ये आपके सामने क्या क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, फर्स्ट नंबर पर है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध मेडिसिन को लेकर। तो ये पूछा गया है कि कौन से शहर के अंदर इसको आयोजित किया गया है, नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय कैपिटल हमारी नेशनल कैपिटल है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध मेडिसिन, इन दवाइयों का पहला सम्मेलन यहाँ पर ये चला है, ठीक है। सो न्यू दिल्ली बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ पे 2 डेज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ही इनकी चली थी, है ना। और काफ़ी सारी वही की डाटा इस चीज़ के बारे में कि क्या है आयुर्वेद को लेके, यूनानी दवाइयों को लेके, और जो आपका सिद्धा सिस्टम्स होता है, सिद्ध मेडिसिन होती है इस तरह की, जैसा आयुर्वेद यूनानी होते हैं ना, इसी तरह से एक सिद्धा भी एक स्वास्थ्य प्रक्रिया है स्वास्थ्य सेवाओं की। तो इन तीनों चीज़ों का यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड है, 2020 के अंदर भारत की शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लैंग्वेज से पूछा जाता है कि जो हमारी अनुसूची 8 है उसके अंदर टोटल भाषाएं कितनी है, 22 भाषाएं हैं। इसमें पूछा जाता है कि कौन कौन सी इसके अंदर आती हैं, कब जोड़ी गई। एक पूछा जाता है जो मैंने अभी आपसे पूछा है, शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, ठीक है। सो याद रखना, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं अब तक हमारी, किसकी बात कर रहे हैं, मार्च की बात कर रहे हैं ना। सो मार्च 2020 तक के अंदर 6 शास्त्रीय भाषाएं यहाँ पर हैं। कौन कौन सी है मैं ना यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। पहली, दूसरी तेलुगु हो गई, पहली तमिल हो गई, तीसरी संस्कृत है, और कन्नड़ चौथे नंबर पर आ जाएगी, ठीक है। मलयालम आपकी 5th हो गई, एंड द लास्ट एंड 6th इज आपकी उड़िया। सो ये 6 की 6 भाषाएं हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं यहाँ पे, पढ़ाई हैं, इनको ठीक से याद कर लेना। और बेनिफिट ये रहेगा कि सीरीज वाइज याद करो तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज आपने पढ़ ली, आगे देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, परिसीमन शब्द के बारे में पूछा है। क्या कह रहे हैं कि खबरों में था, इस प्रोसेस से जुड़ा हुआ है ना। ये दोस्तों आपका क्षेत्रीय क्षेत्रों की समय की सीमा तय करना, सी ऑप्शन, ठीक है। फिक्सिंग लिमिट्स ऑफ द टेरिटोरियल जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशंस होती है इनके बारे में, ठीक है, इनके जो एरिया है, इनके क्षेत्र का जो एरिया है उसकी मतलब एरिया को फिक्स करना, परिसीमन के बारे में ये चीज़ रखी है। थोड़ी सी आगे देखते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन ये रहा आपके सामने, फिक्सिंग लिमिट्स ऑफ द टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम ये चलेगी ईस्टर्न साइड के स्टेट्स के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और चौथे नंबर का क्वेश्चन देखो आपके सामने, ये रहा क्या क्वेश्चन दे रखा है कि डॉक्टर एस शेट्टार हैं, हाल ही में ना इनकी डेथ हुई है, तो पूछा है कि किस पेशे से जुड़े हुए थे। अब पेशे तो देखो, सबसे पहली बात तो इन्होंने पूरा नाम दिया है डॉक्टर एस शेट्टर। अगर आप पढ़ने वाले हैं, आप सभी को पता होगा, मतलब सभी पढ़ने वाले हैं, सब सीख रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन हिस्टोरियन थे ये, ठीक है। जो ग्रेजुएशन के अंदर इस चीज़ को पढ़ते होंगे, हिस्ट्री को लेते होंगे, बहुत आता है इनके बारे में भी उस चीज़ में, ठीक है। सो हिस्टोरियन थे, और इनकी सबसे पहले तो फील्ड पूछा जाएगा, हिस्टोरियन याद रखना है। थोड़ी सी ना इनकी किताब देख लेते हैं, इनको क्या क्या, ये कहाँ काम कर रहे थे और कैसे थे, डॉक्टर आर शेट्टर, ठीक है। इनकी अभी डेथ हुई है बंगलोर के अंदर, और इन्होंने कहाँ पर टॉट, मैनी यूनिवर्सिटीज, मोर देन 25 ईयर्स से पढ़ाए गए हैं यहाँ पे। कैम्ब्रिज से इन्होंने PhD की थी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि चेयरमैन रहे हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, जो भारत के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि काउंसिल्स ऑफ हिस्ट्री हिस्टोरिकल रिसर्च न्यू दिल्ली, इसके चेयरमैन रहे हैं,
तो ये बात याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। बाकी आपको ये याद करना है कि किस फील्ड से जुड़े हुए थे, ठीक है। चलो फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है कि रक्षा और सामरिक अध्ययन विभाग में प्रस्तावित है चेयर ऑफ एक्सीलेंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बात तो यहाँ पे ही सुन दो, पूरा क्वेश्चन करने से पहले बता रहा हूँ क्या रखा है कि किस भारतीय चीफ मार्शल के नाम पर यह पद रखा गया है। देखो हुआ क्या है दोस्तों, इनका मोटिव करने के लिए ही, आपके जो एयरफोर्स के जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, इनको मोटिव करने के लिए ही इस पद का काम यहाँ पर किया गया या अपडेट किया गया, दोनों बात है, नाम चेंज किया गया इसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और वो है आपके अर्जन सिंह, ठीक है। कौन है? अर्जन सिंह है। हुआ क्या है, जो आपकी इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के साथ में डील आपकी हुई है किसकी, पुणे यूनिवर्सिटी की, ठीक है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पूरा नाम है और इंडियन एयरफोर्स है। तो इन्होंने क्या काम करा है, एक पद जो आपका होता है चेयर ऑफ एक्सीलेंस, इसका नाम चेंज किया गया है और इन्होंने कर दिया गया है, इसका नाम यहाँ से लिखा हुआ है, देखो ये नाम पढ़ लो, मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह चेयर ऑफ एक्सीलेंस, ये नाम किया गया है, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये, और इसके बाद में जो अपडेट हुआ है, जो आंसर है वो ये दोनों पॉइंट आपको याद करना है इस क्वेश्चन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिक्स्थ, छठे नंबर पर क्वेश्चन है कि थ्री स्टेट, हमेशा काफी बार पूछा गया, डेली करेंट्स के अंदर भी पढ़ाया था मैंने, है ना। तो हाल ही में त्रि राज्य अभ्यारण्य है वो किस क्षेत्र में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है, इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित किया गया है इन चारों में से, और वह है दोस्तों आपका चंबल अभयारण्य जो है, ठीक है। सो नेशनल चंबल जो आपकी सेंचुरी आती है, इसको घोषित किया गया है ESZ यानी कि इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। त्रि राज्य के अंदर ये स्टेट आता है आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से याद कर लेना, तब भी मैंने बताया था अगर त्रि राज्य अभयारण्य के लेके पूछे कि किसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, चंबल घाटी चंबल अभयारण्य को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, नहीं इन्होंने ए क्यों कहा, अच्छा हाँ ठीक है, चलिए ए ठीक है, चंबल अभियान है, मैं बी पर सोच रहा था, सही है बिल्कुल, चंबल की घाटी को इन्होंने सेट किया है, ठीक है। बस यही आपको याद करना है, उसके बाद में बस ये देख लेना, ये पूछ सकता है कि ये घाटी पड़ती कहाँ है ना, तो वो पॉइंट देख लेते हैं आपके नोट्स के अंदर में से कि कौन कौन से पॉइंट में है याद करने वाले, कि एक तो ये ध्यान रख लेना कि जो घाटी पड़ती है या ये अभयारण्य जो पड़ता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और एक आपका राजस्थान, इन तीनों स्टेट के बीच में पड़ता है, ठीक है। मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ याद करने वाली बात। उसके बाद में 75% जो भारत के हैं, मतलब जो एरिया है चंबल की घाटी घड़ियालों से घिरा हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा घड़ियाल यहाँ पर मिलते हैं, और बाकी सारी चीज़ें वही हैं कि डॉल्फिन फ्रेश वाटर हो गए यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी, ये पूछा जाएगा कि कौन से एरिया कवर करता है, तो याद कर लेना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका कांगड़ा राजस्थान येड़ा, ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सातवें नंबर का क्वेश्चन देखो अब क्या है, एक ना एप्लीकेशन है, ऐप है हम सफ़र, है ना। तो ये पूछा है कि किस सेवा से जुड़ा हुआ है। हम सफ़र के बारे में बहुत चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं कि ईंधन की डिलीवरी, होम डिलीवरी को लेकर ये ऐप जारी किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, हम सफ़र बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट में, ये चीज़ देखते हैं यहाँ पे। डोर डिलीवरी ऑफ फ्यूल, मैंने जो आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी मार्च की, उसमें भी इस क्वेश्चन को कराया था, फर्स्ट या सेकेंड में कराया जरूर है, ठीक है। सो हम सफ़र किसके लिए, आपका फ्यूल्स के लेकर है, फ्यूल किया, फ्यूल यानी कि जो आपके ईंधन होते हैं उनकी घर पर ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी, इसलिए यह ऐप लाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं कि व्हाट डज LTRO स्टैंड फॉर, क्या मतलब है आपके LTRO का। देखो ध्यान से देखो, जो आपकी रेपो रेट है यानी कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जैसे कि नाम से भी आपको दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म, RBI के द्वारा इसको जारी किया गया है, जो रेपो रेट होती है ना, बैंक जो ब्याज देते हैं RBI को, उसकी टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, केवल टाइम पीरियड उसको एक्सटेंड करने के लिए, कि बैंक जो है उनको काफ़ी टाइम मिल जाए कि वो अपना रेपो जो उनका पूरा मतलब जो एक रिटर्न जाता है उसको अच्छे से दे सकें और उनको टाइम भी इस चीज़ में मिल जाए काम करने के लिए। तो इसलिए LTRO को जारी किया गया है RBI के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, RBI को लेकर क्वेश्चन आया, उसकी स्कीम को लेके या प्रोजेक्ट को लेके, ध्यान से इसको याद करना, इसकी फुल फॉर्म को, और ये भी याद रखना कि क्या चीज़ एक्सटेंड करने के लिए, रेट वगैरह कुछ नहीं, केवल टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, जो कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको जारी किया है, ठीक है।
चलिए, और इसमें देखो टाइम पीरियड 1 साल से लेके 3 साल तक की इन्होंने टाइम पीरियड यहाँ पर बढ़ाई है, ताकि जो इनका एक एम रहता है वो भी पूरा हो सके। आगे बढ़ते हैं, 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। और 9th क्वेश्चन है कि भारत के किस सीएम को राजनीति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हर साल का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा आता है और हमें तो कराना ही पड़ता है, आज भी करा रहा हूँ। सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, किसको दिया गया है? सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम ध्यान रख लेना, पर्सनैलिटी का क्या है, ठीक है। असम के हैं, सभी को पता है, बताने की जरूरत भी नहीं है, असम के सीएम है, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल, और इनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान जो 2020 का है इससे सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई विधान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रालय का नोडल मंत्रालय कौन सा है जो उसने सेट किया है, ठीक है। और यह है दोस्तों आपका संसदीय कार्य मंत्रालय। हालांकि जो सेक्रेटरीज होती हैं संसद की, हर सदन की हैं, उसी तरह से जैसे आपको एक सीधी सीधी बात मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो, एक जिला प्रशासन है तो उसमें सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी काम को करने के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करता है, ठीक है। ये लेवल जो होता है ये आपके मंडलीय स्तर पर भी होता है, ठीक है। मंडलीय स्तर पर क्या होता है कि जिले जो होते हैं उसके अंदर जितने भी जिले आते हैं उनको सेट करने के लिए नोडल ऑफिसर वो भी नियुक्त करता है। इसके ऊपर आ जाओ, तो जो राज्य प्रशासन होता है तो राज्य प्रशासन भी नोडल ऑफिसर नियुक्त करता है, वो मंडल के ऊपर करता है, तो चयनबंदी होती है। तो इसी तरह से अगर हम ऊपर तक जाएंगे, सेंटर तक पहुंच जाएंगे, तो सदन के अंदर भी ये काम चलता है, सदन के अंदर मंत्रालय के अंदर तक चलता है। तो वो चीज़ इन्होंने पूछी है, तो मंत्रालय का नाम याद रखना कि संसदीय कार्य मंत्रालय, जो कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लेकर नोडल ऑफिसर के रूप में बनाया गया है, या नोडल मंत्रालय बनाया गया, ऑफिसर नहीं कह रहे, मंत्रालय कह रहे, ठीक है। अच्छे से आई ना बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 11वें नंबर पर क्या पूछा है इन्होंने हमसे कि राज्य सरकार ने, कौन सी राज्य सरकार है, किसानों को उनके घर पर आवारा पशुओं को रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की शुरुआत की है, ठीक है। कौन कर सकता है? सभी को पता है यूपी सबसे ज्यादा इन चीजों को काम, इन मतलब इस बारे में काम करता है, जितने भी आपके पशु होते हैं उसके बारे में, ठीक है। योगी आदित्यनाथ द बेस्ट सीएम यूपी के साबित हुए हैं वो, ठीक है, योगी नाथ जी लिख देते हैं, आदित्यनाथ, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के हैं, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ दोस्तों। अगला क्वेश्चन 12वें नंबर पर है, देखो क्या है कि भारत 128वें कॉमनवेल्थ ऑफ लाइट्स अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन है भारत का, ठीक है। इन्होंने ना हिंदी टाइप करने में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, लेकिन आप क्वेश्चन तो समझ गए ना कि जो 128वां कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट है, इस अवार्ड को किसने प्राप्त किया है, वो भारतीय मूल के है ना, उनका नाम पूछा है, वो है आपके जावेद पायेंग, ठीक है। क्या नाम है पर्सनैलिटी का? जावेद पायेंग है, जिन्होंने 128वां कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड को प्राप्त किया है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, इसमें कुछ याद करने के लिए है आपका, नहीं देखता है नोट्स के अंदर भी कि इन्वायरमेंटल एक्टिव जावेद पायेंग है ऑल्सो कॉल्ड फॉर द फॉरेस्ट मैन, ये इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट ये हुआ, इनको फॉरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और विनर ये हुए हैं कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ द लाइट अवार्ड के, सेकेंड पॉइंट ये हो गया, ये तो क्वेश्चन में दिख गया ना आपको, ठीक है। और क्या क्या है इसमें याद करने के लिए, द अवार्ड रिकॉग्नाइज पीपल अक्रॉस 53 कॉमनवेल्थ नेशन, ये चीज़ नहीं है, बस ये 2 पॉइंट है, ठीक है। एक तो ये याद कर लेना कि पहला वाला क्या है, फॉरेस्ट मैन कहते हैं, सेकंड याद कर लेना कि कौन सा अवार्ड इनको दिया गया है, और थर्ड भी लिख लो, चलो पर्सनालिटी का नाम तो याद करना ही है, 3 पॉइंट याद करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है, और यह है दोस्तों आपके सुनील जोशी, ठीक है। सुनील जोशी बने हैं आपके नेशनल सिलेक्शन कमीशन जो पैनल है सिलेक्शन का, उसके डायरेक्टर, और भारतीय क्रिकेटर रहे हैं सुनील जोशी, बहुत अच्छे एक प्लेयर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन ही है। तो ये इनको यहाँ पर बनाया गया है नेशनल सिलेक्शन पैनल का डायरेक्टर, ठीक है। बाकी कुछ बात इसमें याद करने के लिए है नहीं है, द क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी शॉर्टेज द 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स को नियुक्त किया था, इनके नाम अगर आपको याद करना है तो कर लेना। वैसे जो पीसीएस वाले हैं, मेरी बात सुन लो, जो पीसीएस वाले हैं वो याद जरूर से कर लेना, फर्स्ट पॉइंट, तो आपके पांचों का नाम याद करना है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, थर्ड ये हो गया आपके सामने राजेश चौहान, ठीक है, एंड द फोर्थ के आपके एल एस शिवा रामकृष्णन, और एक आपको सुनील जोशी 5 नंबर पर ये है। तो ये 5 मेंबर्स चुने गए हैं, इनके नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, अगस्त से एग्जाम आ रहा है ना,
अगस्त या जुलाई से शेड्यूल जारी हुआ है, सो ध्यान से कर लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ दोस्तों। 14th नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की किस इंजीनियरिंग कॉलेज को सर्वोच्च रैंक प्राप्त हुई है? आईआईटी मुंबई को, ठीक है। नॉर्मली सभी को पता है आईआईटी को मिलती, लेकिन ये देखने वाली बात है कि आईआईटी कौन सी है। वो आईआईटी मुंबई है जिसको क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, और ये सर्वोच्च रैंक पर आया है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, आईआईटी मुंबई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें 15th नंबर का क्वेश्चन है कि 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के 4 में प्रस्तावित सम्मेलन के बाद भारत के राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों की कुल संख्या क्या रह गई है? आप सभी को पता है कि मार्च के अंदर बैंकों को एकीकरण किया गया था, बैंकों का एकीकरण किया गया था, ठीक है, 4 बैंक बना दिए गए थे 10 बैंक में से। तो वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने पूछी है कि कुल अब कितने बैंक रह चुके हैं राज्य के स्वामित्व वाले जो बैंक हैं, स्टेट ऑन बैंक्स जो है उनकी संख्या कितनी रह गई है? वो रह गए हैं दोस्तों आपके 12, ठीक है। टोटल कितने अब बचे हैं? 12 बचे हैं। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, आप डेली करंट्स में जाके तब देख सकते हो कि जो 10 बैंक थे उनको जो 4 बनाया गया था वो कैसे कैसे बने थे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं टोटल अब 12 बचे हैं एकीकरण होने के बाद में, ठीक है। और ये जो लागू हुआ था वो पहले हो चुका था 1 अप्रैल 2020 की, इन्होंने डेट यहाँ पर दी हुई है ना। बाकी सारे सिस्टम दे रखा है कि अदर ग्रुप्स आर द, जैसे कैनरा बैंक आपको हो गया, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ आंध्र बैंक, कॉरपोरेशन बैंक है, ये सारे एक हो चुके हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग हैं कंट्री जो आपके 10 में से 4 बने हैं, और इनको याद कर लेना ठीक से, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 16वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में खबर बनाने वाले ड्यू यॉन फेरेल और शेरी मकनमारा किस वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? खबर बनाने वाले से मतलब है पत्रकार, ये शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, मैं बता देता हूँ आपकी लैंग्वेज वाली, पेन काम नहीं कर रहा, द्वारा लिखते हैं पत्रकार, ठीक है, लिखा गया। तो किस, कौन सा अवार्ड इन दोनों को मिला है, ये चीज़ पूछी गई है ना, इनको मिला है प्रिट्जर अवार्ड, ठीक है। तो प्रिट्जर प्राइज से सम्मानित किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है हमेशा से, तीनों वैसे चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्राइज हैं जैसे जैसे सामने आते चले जाए ना वैसे याद कर लेना। आज प्रिट्जर अवार्ड है किसको दिया गया है वो याद कर लेना, ठीक है, डो यॉन को और इसके बाद में शेली मेकनामारा को, ठीक है। 2 पर्सन है जिनको ये प्राप्त हुआ है, अच्छे से इनके नाम याद करना। और अगला पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, 17वें नंबर का क्वेश्चन है, देखो क्या है, वर्ल्ड नहीं, ये डबल आ गया, बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन्स द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में किस नेता का नाम अब तक का सबसे महान नेता के रूप में सामने आया है? मतलब एक इन्होंने सर्च किया, उसमें सबसे महान नेता जो बने हैं वो कौन बने हैं? महाराजा रणजीत सिंह, वर्ल्ड हिस्ट्रियन। अब बस ध्यान से देख लेना, जैसा आपको यहीं पर दिख रहा है कि ग्रेटेस्ट लीडर कहाँ गया, ये रहा ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द ऑल टाइम, ठीक है ना, पॉल कंडक्टेड। ऑल टाइम का मतलब है कि हिस्ट्री से लेके अब तक, पुराने टाइम से लेके अब तक सबसे बेस्ट पर्सन कौन सा रहा है जिसने शासन बहुत अच्छा संभाला था? क्या संभाला था? सबसे अच्छा शासन संभाला था। सो ये बहुत अच्छी बात है कि भारत के राजा आए, प्राचीन काल के भारत के राजा निकलकर सामने आए, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब साइड के राजा रहे हैं, ठीक है, बहुत मैन रोल भी इन्होंने निभाया था, कोहिनूर तक की भी बात में इनका नाम आता है, ठीक है। सो याद कर लेना ध्यान से, महाराजा रणजीत सिंह जो कि बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्रियस, ठीक है, और इसमें इनकी मैगजीन के अंदर ये टॉप में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे। और नोट्स में देख लो दोस्तों कि कुछ याद करने के लिए है और इससे अलग या नहीं, ये तो आपको मैगजीन तो याद करनी ही है कि बीबीसी हिस्ट्रियन मैगजीन है, ठीक है, और इसके साथ में सिख एम्पायर के राजा थे, बिल्कुल ठीक है, सभी को पता है रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह नाम था इनका, ठीक है, बस बाकी तो कुछ नहीं है ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, और क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय खेल पुरस्कार टाइम्स जो है आपका, तो किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स ऑफ द पर्सन चुना गया है इसके अंदर, है ना, और वो आपकी पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु स्पोर्ट्स पर्सन की अगर मैं बात करूं, सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन मैं आपको पढ़ाऊं वो सारे एक अलग लिखते हैं ना, वो आपको बेनिफिट रहेगा काफी ज्यादा उस चीज में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पीवी सिंधु बिल्कुल ठीक है और शटलर है, सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और क्या क्वेश्चन देखो उन्होंने पूछा है कि कछप कुट एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या है आगे, कि किस भारतीय राज्य या यूटीआई का लोकप्रिय त्यौहार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट त्यौहार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिजोरम का है,
ठीक है, क्या पूछा जाएगा आपसे कि जो आपका कछप कच्छर या कुट है, या कच्छप कुट है, हिंदी में आपको ऐसे मिलेगा और इंग्लिश में मिलेगा छपक्कर। नाम याद कर लेना, स्पेलिंग याद कर लेना, जो भी आपकी मर्जी जैसे याद करना है वो, उसका नाम जरूर याद कर लेना। और स्टेट सभी को याद होना चाहिए, मिजोरम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला है 20वें नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछ लिया इन्होंने 20वें नंबर पर कि बैरी जॉन का पेशा क्या है, जिनको हाल ही में 2020 मेटा अवार्ड से सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी के अंदर। ये ना आपकी थिएटर के डायरेक्टर हैं, ठीक है, मतलब कि मूवीज जो बनती हैं उसमें डायरेक्टर का रोल करते हैं आपके बैरी जॉन, और इनके बारे में थोड़ी सी बात देखनी पड़ेगी आगे। ठीक है, थिएटर डायरेक्टर हैं, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन याद करना है आपको, है ना। उसके बाद क्या क्या है कि इनको दिया गया है 15वां मेटा अवॉर्ड फेस्टिवल के अंदर इनको चुना गया है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है किसी भी अवार्ड की। चलिए, फिल्म का नाम तो इन्होंने यहाँ पर नहीं दे रखे, अवार्ड याद कर लेना और पर्सनालिटी का नाम याद कर लेना। नेक्स्ट नंबर पर क्वेश्चन है 21st पर, नमस्ते जो है किस सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा एक पोर्टल है, ये मतलब कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको जारी किया है। आयुष मंत्रालय ने, ठीक है, किसने जारी किया है, आयुष मंत्रालय ने इसको जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, आयुष मंत्रालय है ना। और नमस्ते है क्या चीज़ ये अगर आपसे पूछा जाता है, तो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिकल पोर्टल के बारे में इन्होंने यहाँ पर लेकर आए हैं इस चीज़ को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य यूट ने या यूटीआई ने हाल ही में अपने बजट में रूढ़िवादी चयन उत्पादकों के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। ठीक है, कि सब्सिडी की घोषणा की, कौन सा स्टेट है इन चारों में से, असम दे रखा है, पश्चिम बंगाल दे रखा है, मेघालय है, और केरल दे रखा है, असम है। ठीक है, ए ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, असम है, जिसने सब्सिडी किसके लिए, सब्सिडी जो आपकी चाय का जो उत्पादन होता है उस पर सब्सिडी देने के लिए काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बुक का टाइटल है, क्या टाइटल है इसका, एडवेंचर ऑफ द डेलिवरी डेमोक्रेट। ठीक है, तो क्या पूछ रखा है कि इसमें से कौन से चीफ मिनिस्टर की कहानी है, इंपॉर्टेंट है भाई, बुक का नाम भी और चीफ मिनिस्टर का नाम भी। चीफ मिनिस्टर का नाम तो वो आपका बिजू पटनायक, ठीक है, सो ये पटनायक वो नहीं है जो आपकी रेड मूवी के अंदर है, ये अलग है, बिजू पटनायक वो पर्सनैलिटी भी अलग है। ठीक है, तो बिजू पटनायक है चीफ मिनिस्टर, जिनके नाम पर क्या निकला है, एक टाइटल निकाला है बुक का। ठीक है, क्या है वो आपका, कि एडवेंचर ऑफ द डेविल्स डेमोक्रेट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो थे ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, है ना, पूर्व चीफ मिनिस्टर यहाँ पर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं उड़ीसा के। और नवीन पटनायक जो है इनके, अच्छा इनके पिता ही इनके, अच्छा ठीक है, नवीन पटनायक के पिता ही हैं ये, बिजू पटनायक जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या पूछा है इन्होंने कि वुमेन साइंटिस्ट स्कीम जो है एंड विजयन ज्योति आर द स्कीम्स फॉर द यूनियन मिनिस्ट्री, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री की स्कीम है आपकी। एक तो वुमेन साइंटिस्ट स्कीम का नाम दे रखा है, दूसरा दे रखा है विजयन ज्योति, दो स्कीम का नाम इन्होंने पूछा है, कौन सी मिनिस्ट्री ने जारी कर रखी है, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, देख लेना कभी वुमन का नाम देख के, वुमन एंड जो चाइल्ड डेवलपमेंट है इस पर लगा दो। ठीक है, किस पर लगाना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर लगाना है। अगर पूछता है कि वुमन साइंटिस्ट स्कीम किसके द्वारा जारी है, कौन सा मंत्रालय है, या विजन ज्योति के बारे में पूछ ले। ठीक है, दोनों के बारे में जब भी पूछेगा तो कौन सा मंत्रालय लगा के आओगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भारत की जो है इस पर लगाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 25वें नंबर का क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन है ना, इन्होंने पूछा है कि भारतीय हाल ही में पर्यवेक्षक के रूप में हिंद महासागर आयोग में शामिल हुआ, तो इन्होंने पूछा है कि आईओसी जो है इंडियन, मतलब हिंद महासागर जो है आपका इंडियन ओशन है, इसमें कितने सदस्य शामिल है, राष्ट्र कितने, इसके अंदर देश कितने हैं, पांच देश हैं इसके अंदर, पांचों के नाम देख लो कौन कौन से पांच देश यहाँ पर हैं। एक तो आपका हो गया इंटरनल गवर्नमेंट है, बिल्कुल ठीक है, पांच आईओसी के हो गए, और इसके अंदर नेशन कौन कौन से, ये कॉमरोस हो गया, ठीक है, मेडागास्कर हो गया, और इसके बाद में मॉरिशस हो गया, ठीक है, रियूनियन हो गया, और इसके साथ साथ में ठीक है तीन चार तो यहाँ पर हो गए, इन द लास्ट इज सेशल्स हो गया। तो पांचों के नाम आपको याद कर लेना, पहला तो ये रहा, ठीक है, दूसरा ये रहा आपके सामने, तीसरा मॉरिशस हो गया,
और फोर्थ नंबर का आपका रेनन हो गया, और उसके बाद में सेशल्स जो है फिफ्थ नंबर पर हो गया। तो टोटल फाइव कंट्रीज इस तरह से हैं इसके अंदर। और न्यूज़ क्या है, क्यों पढ़ा है हमने, क्योंकि इसके अंदर अभी भारत भी शामिल हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है 26वें नंबर का कि कौन सा देश हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय के ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती दो प्रोग्राम इन्होंने दिए हैं। ठीक है, दो पोर्टल दिए हैं, तो इन प्रोग्राम्स में 16वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है कौन सा देश। ठीक है, हालांकि मतलब इसके अंदर कंट्रीज काफी सारी शामिल है, भारत का प्रोग्राम ये भारत ने चलाया हुआ है। तो इन्होंने पूछा है कि वर्तमान में जो अभी रिसेंटली जो हम करंट में पढ़ेंगे वो कौन सा देश है जो इसके अंदर शामिल हुआ है, वो है आपका दोस्तों गैम्बिया। ठीक है, सो गैम्बिया कंट्री है, याद कर लेना ठीक से, इंपॉर्टेंट है। और 15 के देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आने के चांसेस होते तो हैं, लेकिन लगभग लगभग 50% की मैं बात करके चलूंगा, लेकिन आपको बात यह अगर 50% दूसरे वाले आ गए आने वाले हो गए तो क्या करोगे, इसलिए याद करना जरूरी है। 15 नाम बिल्कुल बेशक याद मत करो, करना है तो कर लेना, मैं आपको नोट्स में दे दूंगा वो नाम भी, लेकिन फिलहाल का नाम याद कर लेना गोम्बिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या क्वेश्चन है कि किस राज्य को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके विशेष भाग स्थापित करना है जिसे मिशन शक्ति कहा जाता है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर ही मिशन शक्ति स्थापित किया है, कौन सा स्टेट है जो इसके अंदर ये प्रोग्राम लेकर आया है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के बारे में सेकंड क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो याद कर लेना सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इसके अंदर इस मिशन शक्ति जो स्थापित की है वो किसने की है, इसका ही अपडेशन वर्जन कह लो या फिर अपडेटेड वर्जन कह लो या फिर इसका ही प्रोग्राम कह लो, पार्ट कह लो, कुछ भी कह लो, इसी के अंदर आइए, उड़ीसा ने किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 28वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 28वां नहीं है तो नोट्स हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका। ठीक है, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं और जिन्होंने इस काम को किया है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कॉल्ड मिशन शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्या है कि विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड कोविड एक्शन, ठीक है, प्लेटफॉर्म टू कॉन्वेंस द बिजनेस कम्युनिटी टू सपोर्ट्स फॉर द कोविड 19, यानी कि वैश्विक संगठन ने, किस वैश्विक संगठन ने कोविड 19 कोरोना, ठीक है, कोरोना कह लो या कोरोना कह लो या कोविड 19 कह लो, के लिए व्यापार समुदाय को बुलाने के लिए कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। देखो ध्यान से कर लेना, मैंने आपसे बताया था कि मार्च की करंट लगते ही आपके कोविड शुरू हो जाएंगे, कोविड 19 के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये थर्ड पार्ट के अंदर आया, इसके बाद में जैसे अप्रैल की करंट आएगी तो उसके अंदर तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, सो अभी याद कर लो कि कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, ये आपका विश्व आर्थिक मंच ने, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी को हुआ है। ठीक है, सो वर्ल्ड एक्शन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा जारी किया गया, विश्व आर्थिक मंच जो कि एक यूएन का ही पार्ट है। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ दोस्तों, बाकी तो कुछ याद करने के लिए नहीं है, केवल आपको ये याद करना है, ठीक है, कि क्या किसने इस प्रोग्राम को जारी किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है, हालांकि सपोर्ट तो रहता ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी सपोर्ट है, WHO तो कोविड के अंदर है ही सबसे ज्यादा मैन रोल में है ना। चलिए आउटब्रेक के लिए था लेकिन हुआ कुछ नहीं, बाकी अब पता पड़ती है कि किस तरह से बचाया जाएगा, नहीं बचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एथलीट है, ठीक है, यानी कि विश्व एथलीट काउंसिल्स है इम्पोज टू USD 10 million फाइन ऑन द एथलीट फेडरेशन फॉर द विच कंट्री, ठीक है, डॉपिंग के मामले में किसको ये जुर्माना, $10 million का जुर्माना भरने के लिए कहा गया है, कौन से देश को कहा गया है डॉपिंग को लेकर, ठीक है, वो है आपका रशिया, रूस को कहा गया है। हालांकि इंडियन प्लेयर भी काफ़ी सारे आए थे 2019 के अंदर डॉपिंग के मामले में भी, वो बैन आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है, किसी पे 5 साल का बैन लगा था, किसी पे 3 साल का बैन लगा था, किसी पे ये कहा था कि इस साल जितने भी मतलब 2020 के अंदर जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल गेम होंगे, सॉरी इंटरनेशनल गेम होंगे उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, काफ़ी सारे थे। तो ये याद कर लो, अभी तो कंट्री का क्वेश्चन है कि रशिया कंट्री है जिस पर कितने का जुर्माना लगा है, $10 million का जुर्माना लगा है ना, रूस है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्या है, अगर इसका मामला देखना है ना आपको तो मामला देख लेना, वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, बस ये आएगा कि एंटी डॉपिंग रूल्स जो होते हैं, बात ये होती है कि कोई भी कंट्री दो तरीके से काम करती है डॉपिंग को लेके, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट लेके सुन लो। एक तो उस कंट्री की खुद की ही डॉपिंग सेंटर होती है, लैब होती है, जो वो चेक करती है एथलीट्स की या स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी आपके होते हैं उन सबकी, ठीक है। दूसरी बात, एक नेशनल लेवल पर होती है, जो भी गेम्स कराए जा रहे हैं उस गेम्स के फेडरेशन की खुद की लैब होती है, तो दो जगह टेस्ट यहाँ पर होते हैं,
यहाँ क्या केस हुआ कि इनकी जो नेशनल लैब थी, देश की खुद की लैब थी, वहां से तो पास हो गया, लेकिन जो इंटरनेशनल जो लैब थी, जब फेडरेशन ने चेक करा उस गेम की, फेडरेशन ने चेक करा, तो वहां पर वो पॉजिटिव आया डॉपिंग का जो केस था, तो इसलिए इस पर बैन लगाया गया रशिया पर। बैन तो नहीं, फाइन लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय पर्वतारोही क्या नाम दे रखा है, भावना दहेलिया ने सफलतापूर्वक माउंट केसियो को पर चढ़ाई किया है, उतारा नहीं चढ़ाई किया। ठीक है, तो किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया का है ना। तो माउंट कोसिक्यू कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है, और लगभग ठीक है। और इसमें क्या है कि द माउंटेन, वैसे सारी इन्होंने माउंट एवरेस्ट भी किया हुआ है। ठीक है, भावना देहरिया काफी ज्यादा नामित पर्सनैलिटी है क्लाइंबिंग को लेके, और माउंटेनियर हेट स्केल्ड माउंटेन माउंट एवरेस्ट भी चढ़ी हुई है, ये किलिमंजारो पर भी चढ़ी हुई है। ठीक है, और इसके बाद में कोसुजीको भी चढ़ा हुआ है इन्होंने, हालांकि ज़्यादा ऊंचा नहीं, लेकिन चढ़ाई की बात है कि कौन गया कौन नहीं गया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके आपके सामने है, कहाँ से हैं ये, कौन से स्टेट से हैं ये पूछा जा सकता है, ये पॉइंट जरूर याद कर लेना। एक पॉइंट देख देता हूँ यहाँ पर, ये रहा ठीक है, कि जो भावना देहरिया हैं कौन से स्टेट से हैं, ये आपके मध्य प्रदेश से हैं। चलिए दोस्तों, ये थे आपके दोस्तों आज की क्लास के 30 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको बहुत मजा आया होगा इन क्वेश्चन को करने में, और टाइम का भी नहीं पता पड़ा होगा कि 30 क्वेश्चन जो है कब में हो गए, बल्कि 30 क्वेश्चन की गुणा 2 से ही कर दो, या 2 से भी नहीं करनी, लगभग लगभग 50 क्वेश्चन ये आपकी तैयार हो गए होंगे विद द नोट्स, है ना। और काफी सारी चीजें आपको नोट्स में भी समझने के लिए मैंने आपको दी है और बताई भी है। सो अच्छे से दोस्तों पढ़ाई करिए अपनी, अब यहाँ तो मेरा काम खत्म होता है, आपका शुरू हो जाता है। लाइक ठीक है, जरूर चाहिए, जितने भी इस पर व्यूज होते हैं, जितने भी, अगर आप 5-10 मिनट, 5-10 मिनट में तो कुछ नहीं होता, आप 20 मिनट से कम देख ही नहीं सकते, इससे ज्यादा ही देखोगे, बल्कि 20 क्वेश्चन तक तो देखोगे अगर आप शुरू करते हो तो, बंद नहीं करते बीच में। तो लाइक जरूर करना, और जो भी आपको क्वेश्चन या फिर कुछ दोबारा समझना हो, कुछ भी बताना हो, क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे हैं, ये सब बताना हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अपनी भावनाओं को हम तक, अपनी बातों को हम तक जरूर पहुंचाइए। ठीक है, वेटिंग फॉर दिस। तो दो काम आपको दिए, लाइक एंड कमेंट का, केवल कुछ नहीं होता, मोटिवेट होते हैं हम, और कुछ नहीं होता इससे, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक तो हमारे मोटिवेट के लिए जरूर कीजिए, और हम आपके लिए करेंगे, कर ही रहे हैं हम तो, हमेशा करते हैं, बस आप नहीं करते कभी कभी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, अब एंड करते हैं क्लास को, बाय, अच्छे से पढ़ो और घर पर रहो, सेफ रहो। ठीक है, चलिए।